जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारे साथ प्रशांत, हमारे एसआरयू बैच के स्टूडेंट आए हुए हैं, जो कि प्रशांत कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से। एक और बहुत ही मोटिवेशनल और सक्सेस स्टोरी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। प्रशांत, आपके स्कोर कितने आ रहे इस बार? 636। तो प्रशांत, आपकी तैयारी का सफर कब स्टार्ट हुआ था? सफर 2018 में स्टार्ट। 2018 में कितने स्कोर आए थे आपके? 101 नंबर आए थे। 101 नंबर जी सर। फिर 2019 में कितने आए? 2019 में हमारा 335 नंबर है। 335। 2020 में कितने आए? 399। 2021 में? 2021 में हमारा आया 506 नंबर। 506 नंबर। 2022 में? 2022 में हमारा 586 नंबर आया। और 2023 में इस बार आपके आ रहे हैं 636 और डॉक्टर बनने जा रहे हैं। प्रशांत, ये बताइए कि 101 से 636 का जो सफ़र रहा, उसके बारे में हमारे दोस्तों को आप बताइए। सर, जब हम कानपुर आए तो हमारे दोस्त एक दो महीने जब हम जिस जगह रहते वहाँ पर दोस्त सही नहीं थे। हमारे बुआ के लड़के जब आए, हमने रूम शिफ्ट किया तो वहाँ पर प्रिंस भैया और रोहित भैया जैसे दोस्त मिले। हाँ। वो लोग भी सिलेक्ट हो गए हैं अब के ज़माने में। सर, उन लोगों के साथ जब रहे तो वो लोग बहुत पढ़ते थे। उन्हीं से देख देख कर मन में आता था कि अब हम भी उतना पढ़ें। उनका टेस्ट में 600 नंबर आता था, हमारा 300 नंबर आता था। सर, बहुत मोटिवेशन मिलता था, हम भी 600 नंबर लाएं, लेकिन लाभ नहीं पाते थे। लेकिन उन्हीं की बदौलत कहीं ना कहीं रिजल्ट के वो भी सिलेक्ट हों और हम भी सिलेक्ट होने जा रहे हैं। सही बात है कि इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है बहुत बड़ी सफलता के लिए। तो एक चीज़ बताइए प्रशांत कि आपके 581 जब स्कोर आए थे, और तब आपने क्या डिसाइड किया था कि अब क्या करना चाहिए आपको? 581 जब आए थे तो पापा और हम दोनों लोग एकदम सोच लिए थे कि BHU से BMS ही करना है। उसके अच्छा, बाद आपने काउंसलिंग कराई थी उस साल? हाँ, BHU BMS मिला था हमें उस साल। और उसके बाद फिर एक गांव के डॉक्टर हैं, हमारे गांव के, बुआ गांव के, उसके बाद उन्होंने कहा था पापा से कि 50,000 हमसे ले लो, बच्चे को MBBS कराओ, BMS ना कराओ। तब पापा काफ़ी मतलब उनसे मोटिवेट होकर हमें दोबारा भेजें। उसका स्कोर 636। कितनी रैंक आई इस बार आपकी? 11,358 रैंक। 11,358। तो प्रशांत, एक चीज़ हमें और बताइए आप कि आप न्यूलाइट आए, 581 आपके स्कोर आए थे, आपने लाइट आए, सर्विस ज्वाइन किए, क्या डिफरेंट लगा? क्योंकि आपकी आपका सफ़र लंबा रहा, आपने बहुत जगह पढ़ाई की होगी, तो आपको न्यूलाइट में क्या डिफरेंट लगा? न्यूलाइट में सर, टेस्ट सीरीज जो यहाँ की है वो बहुत फ़ायदेमंद है सर। क्योंकि सर, यहाँ का टेस्ट देते देते इतना टेम्परामेंट हम लोगों का हो गया था कि वहाँ पर 3 घंटे का जो पेपर था हम लोग उसके पहले ही कर दिए, और एक्यूरेसी यहाँ पर बहुत, इतना टेस्ट हो जाता है कि दिमाग में पेपर पैटर्न देने का बन जाता है। इस फिजिक्स वजिक्स में सर करने का तरीका एकदम वहाँ पर लगाते हैं। पेपर मतलब 3 घंटे में थोड़ा 2.5 घंटे या उसे हो जाता है, 15 मिनट समय बच जाता है। इतना यहाँ पर टेस्ट देते इसके बदौलत वहाँ पर ऐसा होता है यहाँ पर सर। तो मतलब ये टाइम जो हम लोगों ने 3 घंटे का ड्यूरेशन रखा है, ये बिल्कुल सही रखा हुआ है। तो चलिए प्रशांत, बहुत बहुत मुबारक हो, और आपके जो 636 के पीछे की जो कहानी है वो हमारे दोस्तों को ज़रूर आप एक बार और बताइए कि आपने जो 101 से 636 तक का सफ़र तय किया, उसमें हमारे दोस्त क्या गलती ना करें जिससे वो जल्दी सेलेक्ट हो जाए। सर, पहली बात तो यह करें, जब वो कानपुर में आए तो सर यहाँ तो काका दी में इतने सारे दोस्त बन जाते हैं। पहली बात, दोस्त बहुत लिमिटेड बनाए, उन्हीं के दोस्त बनाए जिनका टेस्ट में अच्छा नंबर आता हो, प्राइमरी चीज़ वो करे। सेकेंडरी चीज़ है, अपने टेस्ट में इतना अच्छा मार्क्स बना के रखे कि पापा के यहाँ मैसेज जाए तो उनके अंदर मोटिवेशन रहे कि लड़का हमारा वहाँ पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। यही हम दो चीज़ बहुत मेंटेन किए कि हमारा दोस्त प्रिंस भैया और रोहित भैया थे, उनके टेस्ट नंबर देकर हम पढ़ते थे, और इतना अच्छा फिर हमारा जब 581 से 636 का स्कोर था, उस बार हमारा 600 से हमेशा ज़्यादा टेस्ट में आते थे। पापा फ़ोन करके बताते थे, ठीक है ऐसे पढ़ो, बढ़िया कर रहे हो, बस मोटिवेशन हमें भी मिलता था, पापा भी। चलिए, आपके पिताजी भी देख रहे होंगे ये वीडियो, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद आपको, आपका बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है। प्रशांत, आपने बताया कि आपके बुआ के गांव के एक डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने बोला कि हमसे ले लीजिए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ धन्यवाद बोलना चाहते हैं दिल से, जो पापा को मोटिवेट किए, उन्हीं की बदौलत आज हम MBBS करने जा रहे हैं, नहीं तो BHU BMS करते हैं। चलिए सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और प्रशांत, ये सपना था आपका वाइट एप्रन, और हमारे बहुत सारे दोस्तों का जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनका सपना होता है कि वाइट एप्रन वो जल्द से जल्द पहने, तो फाइनली आप ये पकड़े पहनिए ये। तो अब एक स्मार्ट डॉक्टर हो गए आप, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर, मोटिवेशन। बैठिए, अंदर से मोटिवेशन आ रहा है। हाँ, तो
अब किस चीज का मोटिवेशन आ रहा है, फाइनली आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं? पीजी निकाला जाए एमएस कार्डियोलॉजी से। अरे क्या बात है, तो प्रशांत का सपना है एमएस कार्डियो, और प्रशांत की एडवाइस अगर आपके भी नंबर हैं 590 550 560 570 तो इनकी एडवाइस जरूर फॉलो करिए। इन्होंने बताया है, दो चीज़ें बताई है, अगर आपके काम के हैं तो आप जरूर फॉलो करिए, और बिल्कुल परेशान मत होइए अगर आपके नंबर कम रह गए हैं तो एक बार फिर से जुड़ जाइए, न्यू लाइट की टीम आपके साथ है, सिंह सर आपके साथ हैं, और इनके एडवाइस को फॉलो करिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।